स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेजर ड्रामा देखने को मिलेगा और अबीरा का एक बार फिर से दिल टूट जाएगा। अबीरा की किस्मत सही नहीं चल रही है और एक बार फिर से यही होगा और बी नानू अबीरा का नहीं रूही का साथ देंगे। पार्टी में होगा ये कि दादी सा इस मोटिव से पहुंचेगी कि वो यहाँ पर सभी को हैरान कर देंगी अरमान और रूही की एंगेजमेंट अनाउंस करके, और वो यही करना स्टार्ट भी कर देती है। और पार्टी में सेलिब्रेशन होती है, केक कटिंग की जाती है, जिसके बाद स्टेज पर जाकर बिना अरमान से कंसल्ट किए या किसी और को बताए दादी सा सीधा इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर देती है कि अरमान और रूही की एंगेजमेंट होगी। मनीष गोयनका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और बाहर से अबीरा भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो चारू के हाथ से रिंग वाली पूरी थाली उठाकर फेंक देते और वो बोल देते हैं कि वो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और वो ये शादी होने ही नहीं देंगे। जिसके बाद अरमान भी दादी सा को बोलता है कि उन्होंने ये गलत किया, बिना सबसे पूछे बिना सबके डिसीजन को एग्री करवाए उन्होंने ये गलत किया अनाउंसमेंट करके। जिसके बाद अरमान पर भी दादी सा का गुस्सा निकलता है एंड फाइनली अबीरा की भी पार्टी में एंट्री हो जाती है और मनीष गोयनका उसकी साइड लेकर उसे गले लगाकर खड़े रहते हैं और बताते हैं कि उसके साथ कितना गलत हुआ। दूसरी तरफ रूही अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती है, बीनानू का हाथ पकड़कर उनसे बोलती है कि वो इस शादी के लिए मान जाए। बीनानू बोलते हैं कि जैसा उसकी माताश्री के साथ हुआ था वैसे ही उसके साथ होगा। रूही बोलती है कि वो गारंटी लेती है कि अरमान के साथ उसकी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रूही ये भी कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी, उसकी किस्मत में कुछ लिखा भी हो, तो वो अपनी किस्मत से लड़ जाएगी। और अबीरा ये सब कुछ सुन रही होती है वहीं खड़े होकर चुपचाप से। एंड फाइनली बीनानू गिव अप कर देते हैं और रूही के इमोशनल अत्याचार में आकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अरमान और रूही की शादी के लिए वो मान जाते हैं और रूही उन्हें हग करती है और उनका जो हाथ अबीरा के कंधे पर होता है वो हाथ हटाकर अपने ऊपर ले लेती है और अबीरा फिर से अकेली खड़ी रह जाती है। अरमान ये देख रहा होता है और उसे पता होता है कि अबीरा का कितना दिल टूट रहा है और धीरे धीरे अबीरा साइड से वहां से निकल जाती है और अरमान की नजरें सिर्फ अबीरा पर ही टिकी रहती है। देखना ये होगा कि अब ये शादी वाली बात कहां तक जाती है और कब अरमान को रियलाइज होता है कि उसके लिए कौन सही है, अबीरा या रूही।